आज की जो क्लिनिकल अपडेट थी, द कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो मेन टॉपिक था वो था एडवांसेस इन इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, कि ऐसी कौन कौन सी नई तकनीकें या कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं हमारी बांझपन का या निसंतानता का इलाज करने के लिए, जो कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकती हैं और हमें भी एक खुशगवार डॉक्टर बना सकती हैं, क्योंकि जब मरीज खुश तो डॉक्टर खुश। तो इसमें हमने तीन मेन टॉपिक्स को लिया है। एक टॉपिक तो ये है कि जो पुरुषों के कारण बांझपन की समस्या है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट समस्या है और पुरुषों का बांझपन एक्चुअली समाज को भी नहीं पता। मेरे पास अभी भी काफ़ी लेडीज़ आके ऑलमोस्ट खून के आंसू बहाती हैं कि सारी ज़िंदगी निकल गई ताने सहते सहते, अब किसको कैसे बताएं कि ये हस्बैंड के कारण था, हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल थे ही नहीं। तो पुरुषों में जो दिक्कतें आती हैं उनका हम किस तरह से अच्छा इलाज करके पुरुषों को अपने ही शुक्राणु से हम जो है बच्चा करवा सकते हैं, उसके बारे में आज ये डिस्कशन किया गया। डॉक्टर पंकज तलवार जो हैं वो हमारे जो मेन चीफ रहे हैं इसमें, क्योंकि वो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल से आए हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं एंड ही इज अ स्टॉलवर्ट इन द फील्ड। वो यानी कि जगह जगह जाके लोगों में, इवन एक्चुअली इस सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य है वो है एजुकेशन, डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर्स को टीच करना कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छा इलाज करके एथिकल प्रैक्टिस करके और किस तरह से हम नई रिसर्च की जानकारी का इस्तेमाल करके हम पेशेंट को अच्छे से अच्छी सुविधा का उपलब्ध करा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात जो हमारे DGHS डॉक्टर कमला सिंह ने बहुत ही अंडरलाइन करके कही सारे डेलीगेट्स को, कि ये इलाज बहुत महंगा इलाज है और जो उनका दिल है वो गरीब इंसान के लिए है। तो हम सभी डॉक्टर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से कम दामों पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा एक ऐसे मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार को भी मिल सके कि उसके भी आंगन में बच्चों रूपी फूल खिल सके। और मैं सोचती हूँ, मेरे को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर से मिलने का मौका मिला। वो एक ऐसे देवता इंसान है जिनका दिल एक आम आदमी के लिए उठता है, हमेशा हमेशा आम आदमी की बात करते हैं वो। तो और मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ अपने मीडिया के भाइयों के जरिए कि डॉक्टर्स, बेसिकली जो इंसान एक डॉक्टर बनता है उसके दिल में जो पहली तमन्ना, जब हम लोग डॉक्टर्स बने आज से 27-28 साल पहले, पहली तमन्ना है समाज को सेवा करने की। किस तरह हम अपना सर्वस्व, अपना अच्छे से अच्छा गुण समाज को दे पाए। और हम सबका एक बहुत ही ब्यूटिफुल चैरिटेबल चेहरा है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज 75-80% डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं और आज जितनी भी पॉलिसीज बन गई हिंदुस्तान में वो प्राइवेट डॉक्टर्स के खिलाफ बन गई। मुझे बल्कि ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स ही ना बने कल को। अच्छे और इंटेलिजेंट लोग डॉक्टर्स अगर नहीं बनेंगे या सारे मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा हमारे प्यारे हिंदुस्तान देशवासियों का, जिसको मैं भगवान का अपना देश मानती हूँ। और मैं सलाम करती हूँ अपने हेल्थ मिनिस्टर सर के उस जज्बे को कि मैं जब भी उनसे मिली उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मैंने उनसे वायदा किया है कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी हरियाणा चैप्टर पीछे नहीं हटेगा। हम लोग अपने रोज का एक घंटा चैरिटी में अपने गांव वालों को दें, अपने समाज को फ्री सेवा के लिए दें, हफ्ते में 5 घंटे दें, हफ्ते में 7 घंटे दें। हमें सिर्फ उनसे, हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी मदद चाहिए कि जब हम गाँव में जाएं, हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए एडमिनिस्ट्रेशन से, एक फैसिलिटेट हो जाए ये प्रोसेस, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की कमी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सारे ही प्राइवेट में बैठे हैं 80%। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाएं वो बहुत स्लो लाई जाएं ताकि हम लोग ऐसा ना महसूस करें कि हमें पैरों के नीचे रौन दिया गया है। तो और हमारा जो चैरिटेबल हमारा जो चैरिटेबल फेस है इसको उठा के लाया जाए समाज के आगे। मैं चाहती हूँ कि हर डॉक्टर को इंस्पायर किया जाए कि वो चैरिटी करे, अपने प्यारे देशवासियों की सेवा करे। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि हमारे तीन मुद्दे थे आज कॉन्फ्रेंस के। एक था जहां पे स्त्रियों को पूरा जोर लगा के भी अंडा नहीं बनता, जवान लड़कियों को भी अंडा नहीं बनता, ज्यादातर ये कोशिश हम 20-40 साल की लड़कियों में करते हैं। आजकल सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गया है, लड़कियां ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती है, लोग खाना खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते ज्यादा, एक जो फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस, लोग स्ट्रेस लेना पसंद करते हैं, स्ट्रेस बर्स्टिंग टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है हमारी बच्चियों में। और मेल इनफर्टिलिटी, मैं सोचती हूँ कि
और बहुत सारे कारणों के अलावा ये जो हिंदुस्तान में जो कीटनाशक दवाइयां हैं, आप कनक चावल दाल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आपको हिंदुस्तान में जीने का दुर्भाग्य ये है कि आपको कुछ भी प्योर नहीं मिलता, आप जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, आपको ऐसी ऐसी केमिकल आपके अंदर घुस जाते हैं कीटनाशकों के जरिए कि आपको थायराइड की बीमारी, आपको 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, अनेकों बीमारियां और मेल इनफर्टिलिटी उसकी एक मैनिफेस्टेशन, वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो मैं निवेदन करूंगी सरकार के सभी वो लोग जो आज इस पोजीशन में है कि समाज को चेंज कर सके, तो कीटनाशकों पे कोई कानून लाया जाए। हमारे अंदर इतना जो केमिकल ला रहा है, हिंदुस्तान का बंदा भी 100 साल जी सकता है, 80 साल भी चमकते हुए चेहरे नजर आ सकते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा था वो था फर्टिलिटी एनहांसिंग एंडोस्कोपिक सर्जरी। ऐसी कुछ दूरबीन द्वारा प्रक्रियाएं हैं जो अगर हम दूरबीन द्वारा किसी औरत की, चाहे बच्चेदानी में या गर्भाशय में दूरबीन डालें या हम पेट में दूरबीन डालें, अगर हम कुछ ऐसे ऑपरेटिव सर्जरीज करें जिससे कि उनकी बात बन जाए, उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, और इनमें से कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी महंगी तकनीक किए बिना ही गर्भावस्था हो जाए और उनके आंगन का फूल खिल उठे। तो और मैं ये भी कहूंगी, मैं गुजारिश करूंगी सरकार से कि अब जो नए नए प्रोटोकॉल्स आए हैं, एंटेगनिस्ट प्रोटोकॉल हम इन्हें कहते हैं, इनके जरिए हम सस्ता आईवीएफ कर सकते हैं हम लोगों का। तो अब हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कोई ऐसी सुविधा लाई जाए। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में डॉक्टर कुलदीप जैन ने बताया कि जो गरीब आदमी है, सपोज मैं एक प्राइवेट डॉक्टर हूं, मैं अपनी सेवाएं गवर्नमेंट में देना चाहती हूं, तो वही फर्टिलिटी सोसाइटी की तरफ से समय समय पर ये नई टेक्निक्स को लेकर प्रोग्राम किया जाता है, कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसमें नई टेक्निक्स को एक दूसरे से शेयर किया जाता है ताकि नई टेक्निक्स के द्वारा समाज को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर बेटी बचाओ के लिए भी इन्होंने जो अच्छा कार्यक्रम किया गया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार यदि समाज से कोई लोग भटक भी जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें गाइड करके हमारी गर्ल्स को बचा सकते हैं। और भगवान का दूसरा नाम हम डॉक्टर्स को देते हैं और ये ज़िंदगी में जो होप पैदा करते हैं उसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये फ्रूटफुल रहे, नई टेक्निक्स लोगों को जानने का और उनके बीच में जाने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर को, डॉक्टर गौरी मैडम को, डॉक्टर कमला सिंह को और सारी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। डॉक्टर प्रभजोत कौर ये हर साल एक कोशिश करते हैं कि हर टेक्निक जो नया टेक्निक्स है ये लेके पूरा हरियाणा में जितना डॉक्टर्स को इकट्ठे करें और उन लोगों को ये चीज़ें बता दें ताकि अपना जो एडवांसमेंट साइंस में टेक्नोलॉजी में है वो सब डॉक्टर्स को भी पता होए और ऑल्सो कि ये हो जाए कि गांव-गांव तक भी ये कैसे ये टेक्निक्स का वो हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को इसका लाभ उठा सके। और ये कमेंडेबल है कि हर साल डॉक्टर प्रभजोत इस कोशिश करते हैं और उस बात को हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर गौरी, फर्टिलिटी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी इस आईवीएफ के फील्ड में काफ़ी काम कर रही है और इसमें ये मीटिंग्स जगह जगह पे मीटिंग्स की जाती हैं ताकि डॉक्टर्स को इनके बारे में बताया जाए। और भी सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन में काफ़ी काम हो रहा है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर्स के लिए भी और एम्ब्रोलॉजिस्ट के लिए भी, वो शुरू किए गए हैं, जर्नल है जो पब्लिश होता है। तो इस तरह से सोसाइटी, हम एज ए सोसाइटी इस फील्ड को डेवलप करने में काफ़ी काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश जिंदल, मैं डॉक्टर सुधा प्रसाद हूँ, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। और इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं पूरे देश में, विभिन्न स्टेट्स में, और हम चाह रहे हैं कि खूब सारे लोगों को इस बारे में बताया जाए कि इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट कैसे होती है। और ये हरियाणा चैप्टर बहुत एक्टिव है, डॉक्टर प्रभजोत कौर ने लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा योगदान दिया है इसको समझाने के लिए। थैंक यू।
मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का, और मैं केवल दो ही बातें कहना चाहूँगा। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी हमने शुरू की थी कि जो टेक्निक है वो मासेज में पहुँचे, और उसको पहुँचाने के लिए मीडिया का जो सबसे बड़ा रोल है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। बाकी हमारे डॉक्टर सुधा प्रसाद, डॉक्टर उमेश जिंदल ने जो बताया है वो तो है ही। ये एक टेक्निक है जो हर एक किसी को चाहिए, चाहे वो जिसके पास पैसे हैं नहीं हैं, उनको चाहिए। और उसके लिए अभी तक जो अवेलेबिलिटी है इंश्योरेंस सेक्टर की, अवेलेबिलिटी नहीं है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। मीडिया के माध्यम से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि मीडिया को अभी जगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को और गवर्नमेंट को, कि कुछ ऐसी स्कीम चलाएं 60 साल के बुड्ढे को अवेलेबल है, अगर उसको हार्ट अटैक होता है, जिसकी उम्र 5 साल और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जो इनफर्टिलिटी है 20 साल से शुरू हो जाती है और 45 साल तक रहती है, इस ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी सुविधा नहीं है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को आना चाहिए, और मीडिया का ये काम है कि इंश्योरेंस सेक्टर को अब जगाए कि इनफर्टिलिटी के लिए कुछ ना कुछ कोई पॉलिसीज करे जिससे कि उसको फ़ायदा हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी अभी एक वर्ल्ड कांग्रेस लेके आ रही है सितंबर में, 2016 सितंबर में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार आ रही है, पिछले 60 साल में नहीं आई है, अभी अगले 50 साल में नहीं आएगी। तो इसके माध्यम से हम देश में नहीं विदेश में भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी IVF की बात होती है तो केवल सरोगेसी की बात होती है, इंडिया में सरोगेसी हो रही है, ऐसा नहीं है। IVF के फील्ड में बहुत काम हो रहा है, और 2016 में जो कॉन्फ्रेंस आ रही है वो एक प्लेटफॉर्म देगी रिसर्च के लिए और IVF के लिए, कि विदेशों में मालूम पड़े कि हिंदुस्तान में बहुत काम हो रहा है, और ART के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं डॉक्टर कुलदीप जैन।